आज का जो टास्क है हमारा वो पाइथन लूप्स के ऊपर है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लूप कंस्ट्रक्ट्स अवेलेबल होते हैं, तो कोई भी ऐसा रिपीटेटिव टास्क जो आपको बार बार यूज करना होता है उसके लिए आप बेटर है कि आप लूप्स का आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने SQLite डेटाबेस मैंने आपको कनेक्ट करके बताया था, और उसमें मैंने यूजर से इनपुट सिर्फ एक ही स्टूडेंट का हम इनपुट ले सकते थे। मगर आज के प्रोग्राम के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि जो SQLite डेटाबेस के साथ आप यूजर के इनपुट ले रहे हो, मल्टीपल टाइम्स आपको यूजर के इनपुट लेने हैं। तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि SQLite का डेटाबेस आप बनावें, फाइल बनावें, टेबल्स बनावें, उसके बाद कितने स्टूडेंट्स को स्टोर करना है वो भी प्रोग्राम पूछे, एंड देन वन बाय वन उनकी डिटेल्स वो पूछता चले। तो ऐसा हमें बना के एक प्रोग्राम बनाना है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हम लूप का यूज करेंगे। बट उससे पहले जो है लूप्स के बारे में देख लेते हैं। अ फॉर लूप इज यूज्ड फॉर इटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस। फॉर लूप का उपयोग कहाँ यूज होता है कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है, कोई इटरेबल ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास इटरेबल ऑब्जेक्ट क्या है, एक लिस्ट है या अरे है या सेट है, तो किसी भी इटरेबल ऑब्जेक्ट पर अगर आपको कंटिन्यूस लूप चलाना है तो आप किसकी सहायता ले सकते हैं, फॉर की सहायता ले सकते हैं। यहां पर हमें देखें कि एक इटरेबल ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। अ लिस्ट इज अ इटरेबल ऑब्जेक्ट। यहां पर हम देखते हैं कि व्हाट आर इटरेबल ऑब्जेक्ट्स। व्हाट आर इटरेबल ऑब्जेक्ट्स। पाइथन के अंदर इटरेबल ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? पहला लिस्ट, फिर दूसरा क्या है हमारा टपल, दूसरा तीसरा हमारा क्या है वो डिक्शनरी है, चौथा क्या है हमारा सेट्स है, पांचवा हमारा अरेज है ना। तो हमारे पास इस प्रकार से जो है बहुत सारे इटरेबल ऑब्जेक्ट्स है। वो छठा स्ट्रिंग खुद भी एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए आपने अपना नेम सेव किया, तो उस नेम में हर कैरेक्टर जो है उस पर भी आप क्या कर सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं, लूप चला सकते हैं। तो धीरे धीरे हम एग्जाम्पल में हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर हमें यहाँ पर देखना है, दिस इज लाइक द फॉर कीवर्ड्स इन ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क्स मोर देन लाइक अ इटरेटर मेथड एज फाउंड इन अदर प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। विथ द फॉर लूप यू कैन एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। फॉर लूप की सहायता से हम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वन फॉर ईच आइटम इन अ लिस्ट टपल और सेट। तो यहां पर हमारे पास एक कोड एग्जांपल दिया हुआ है, उसके अंदर हमारे पास एक लिस्ट अवेलेबल है और उस लिस्ट में मुझे इटरेट करना है और हर लिस्ट को मुझे प्रिंट करना है। तो फॉर इन की सहायता से मैं लूप चला सकता हूं। फॉर इन इस कंस्ट्रक्ट को हम कैसे याद रखेंगे कि पाइथन के अंदर फॉरिन ही होता है, फॉरिन लूप कंस्ट्रक्ट होता है जिसपे हम किसी भी इटरेबल ऑब्जेक्ट पे क्या कर सकते हैं, लूप चला सकते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। यहां पर हम गए और आज हमारा जो लेक्चर है PY21 है, PY21, और इसको मैं गिट बैश हियर में मैंने ऑन किया, कोड डॉट मैंने किया और यहां से मैं टर्मिनल ओपन करूंगा। बहुत सारे बच्चों का जो टर्मिनल यहाँ पर ओपन होने में दिक्कत आ रहा है, तो उसके लिए आप जो है जरूरी नहीं है कि ये जो टर्मिनल इसके अंदर है इसी से काम होगा, आपके पास गिट बैश का खुद का भी अपना टर्मिनल है। मान लीजिए अगर आप न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर रहे हैं और कोई टर्मिनल ओपन नहीं हो पा रहा है, तो दूसरा तरीका क्या है मैं वो आपको बता रहा हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आपका जो गिट SCM वाला जो टर्मिनल है उसी से आप कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं PY21 लेक्चर में गया, यहाँ राइट क्लिक किया और ये जो टर्मिनल आपको दिखाई दे रहा है वो सारी के सारी कमांड जो कि आप इंटरनल टर्मिनल में रन कर सकते हैं वो भी यहाँ पर भी आप रन कर सकते हैं। चलिए मुझे एक फाइल बनानी है, टच स्पेस मेरी फाइल का नाम। मैंने दे दिया a.py। मेरी फाइल का नाम है a.py और आप देख सकते हैं a.py फाइल बन चुकी है। और यहाँ पर जो है इसको हम रन करते हैं। चलिए मैं स्टूडेंट्स नाम का मैं क्या बनाता हूं, एक लिस्ट। जब भी कहीं पाइथन में स्क्वायर ब्रैकेट देखोगे तो आप क्या बोलोगे, ये एक लिस्ट है। और इस लिस्ट के अंदर यहां पर मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के नेम है,
स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी, ऐसे आप दो तीन स्टूडेंट्स को आप स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है ना। आपने ऐसे देखिए, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट स्टोर करवा दिए, कुछ उसी ने हिंट दे दिया था इसलिए मैंने सारे स्टूडेंट्स को करवा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को मैं ग्रीट करना चाहता हूँ, उनको गुड इवनिंग बोलना चाहता हूँ या हेलो स्टूडेंट्स बोलना चाहता हूँ इंडिविजुअली। तो ये रिपीटेड टास्क मैं किस में करूंगा, फॉर की सहायता से मैं उनको कर सकता हूँ ग्रीट। सो फॉर यहाँ पर हम यूज करेंगे फॉर इन, और यहाँ पर इटरेबल ऑब्जेक्ट होगा। सो यहाँ पर इटरेबल ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं एस। सो फॉर स्टूडेंट, तो हमेशा मैं ऐसे करता हूं कि जो इटरेबल ऑब्जेक्ट है उसको प्लूरल फॉर्म में देता हूं, और जो सिंगल वेरिएबल बनता है उसको सिंगुलर फॉर्म में मैं देता हूं। स्टूडेंट और स्टूडेंट्स, फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स। बट अगेन ये जो वेरिएबल है इसका नाम आप एक्स भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, क्योंकि एक लोकल वेरिएबल है। मुझे ये स्टाइल बिल्कुल पसंद है कि यहाँ पर आप एक सिंगुलर और एक प्लूरल वर्जन आप ले सकते हैं। प्लूरल वर्जन हमेशा किसके लिए होगा, इटरेबल ऑब्जेक्ट के लिए होगा। सो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, बिकॉज इट कंटेन मोर देन वन स्टूडेंट, दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड स्टूडेंट्स। और जब मैं इसका लूप चलाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स। तो ऐसा थोड़ा कन्वीनियंट लगता है, तो अगर ये स्टाइल आपको भी अच्छा लगे तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल एक्स के नाम से भी आप बना सकते हैं, आपके ऊपर है। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें प्रॉपर सिंटेक्स देखना पड़ेगा, उसके बाद आप इंडेंट करके अपना मेथड प्रिंट करवा सकते हैं, और एक ब्लॉक डिफाइन करने के लिए हमें यहाँ पर कोलन देना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने कोलन दिया, इंड किया, और यहाँ पर मैंने इसका प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया हेलो, और यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ हेलो ए, हाउ आर यू। सो मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ हेलो ए, हाउ आर यू, हेलो बी, हाउ आर यू। सो यहाँ पर है हमारा इटरेबल ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है हम इटरेट करना चाहते हैं। सो यहाँ पर जो है मेरा फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा, पहला एलिमेंट स्टूडेंट के अंदर स्टोर होगा, सेकेंड टाइम लूप चलेगा तो बी कहाँ स्टोर होगा, स्टूडेंट के अंदर, थर्ड टाइम स्टूडेंट के अंदर, ऐसे वन बाय वन लेफ्ट टू राइट। हमेशा इटरेशन कैसे चालू होगा, लेफ्ट टू राइट, है ना। तो लेफ्ट में पहले ए है, तो ए से चलेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे लेफ्ट टू राइट वो क्या करेगा, इटरेट करते हुए चलेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या मिलने वाला है, ए किसमें जाके स्टोर होगा, स्टूडेंट में। और यही स्टूडेंट मुझे अभी जहां कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहां पर मुझे चाहिए। तो स्ट्रिंग के अंदर अगर आपको कोई वेरिएबल यूज करना है तो बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कहलाता है, उस तरीकों को बोलते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का मतलब ये हो गया कि आप स्ट्रिंग के अंदर ही क्या देने जा रहे हो, वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। सो स्ट्रिंग हमारी डबल कोटेशन में हो, चाहे सिंगल कोटेशन में हो, चाहे हमारी ट्रिपल कोटेशन में हो, ट्रिपल कोटेशन में भी आप अपनी स्ट्रिंग दे सकते हैं। तो आपके पास तीन तरीके हैं ट्रिपल कोट एक स्ट्रिंग डिफाइन करने के, आपके पास तीन तरीके हैं। मैं तीनों तरीके आपको बताऊंगा वन बाय वन। अभी के केस में मैं आपको डबल कोटेशन वाला स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज कर रहा हूं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एफ स्ट्रिंग का उपयोग कर सकते हो। जहां पर आपकी स्ट्रिंग चालू हो रही है उससे जस्ट पहले आपको कौन सा कैरेक्टर लिखना है, एफ, और जहां पर आपको सब्स्टिट्यूशन करवाना है वहां पर आपको कर्ली ब्रेसेस लिखना है, और एक वेरिएबल का नाम लिखना है, एक एक्सप्रेशन का नाम लिखना है। और एक्सप्रेशन में मतलब आप कोड का कोई भी कोड लिख सकते हैं। सो यहाँ पर स्टूडेंट मेरा एक एक्सप्रेशन की तरह ट्रीट करेगा, सो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ हेलो स्टूडेंट। अब इस कोड को रन करने के लिए चाहें तो आप यहाँ से रन करें, py स्पेस a डॉट पाई, रन किया हेलो ए हाउ आर यू, हेलो बी हाउ आर यू, ऐसा मेरा कंसोल पे मैसेजेस प्रिंट होते हुए आ गए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इस तरीके से हम इटरेट कर रहे हैं। उसी तरीके से इस लाइन को मैं कमेंट करूं, अगला टेक्निक मैं बताऊं कि अगला टेक्निक आप कैसे कर सकते हैं। अगला टेक्निक है आप जो है डॉट स्ट्रिंग की एक और दूसरी मेथड होती है फॉर्मेट मेथड। सो यहां पर आप देखिएगा स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग वाला टेक्निक दिया हुआ है, स्ट्रिंग फॉर्मेट वाला, ठीक है। इस वाले सेक्शन पे भी जाके आप फॉर्मेट मेथड का यूज कर सकते हो। सो फॉर्मेट के अंदर जो है आप स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट मेथड यूज करेंगे। सो यहां पर मैं क्या करूंगा, इस वेरिएबल को यहां से कट कर लेना, स्ट्रिंग जहां खत्म हो रही है वहां कर्सर ब्लिंक होना चाहिए, डॉट
फॉर्मेट, और इसके अंदर में क्या पास करूंगा, स्टूडेंट। सेव किया और प्रोग्राम को अब इस टर्मिनल से ना रन करते हुए कई बार बच्चों को दिक्कत आती है, तो मैं बाहर वाले गिट टर्मिनल से भी लॉन्च करके बताता हूं। तो बाहर वाले में गिट टर्मिनल में जाऊंगा, मैं अपने प्रोजेक्ट में जाऊंगा और कॉलेज पाइथन और PY21 और यहां पर जाके मैं इसको रन करूंगा टर्मिनल में। यहीं से मैं रन करके बताऊं, मैं PY लिखूंगा। तो आप PY लिख सकते हैं और पाइथन भी लिख सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी मशीन में PY सपोर्ट कर रहा है कि पाइथन सपोर्ट कर रहा है कि दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे लैपटॉप में दोनों ही सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं PY भी लिख के रन करके बता सकता हूं और पाइथन लिख के भी मैं अपने कोड को मैं रन करके बता सकता हूं। सो इस बार देखिए मैं कंप्लीट पाइथन लिख रहा हूं और a.py। सो ओके, सो देखते हैं कोड में कुछ इश्यू हो गया है। यहां पर आपको स्पेस नहीं देना है और स्ट्रिंग का जो फॉर्मेट है वो हम यहां से देखते हैं कि फॉर्मेट, और देखिए यहां पर कोई स्पेस नहीं है, कुछ नहीं है, और आपको डायरेक्टली जो है वो यूज करना है। तो देखते हैं क्या होता है। आ गया। अब ये कि यही टास्क मुझे बाहर वाले पर भी दिखाई दे, तो यहां पर मैं कंट्रोल एल करूंगा, वापिस से पाइथन ए डॉट पाई किया, हेलो डॉट पाई आ गया। तो जब आप फॉर्मेट मेथड से यूज करेंगे तो स्ट्रिंग के अंदर कर्ली ब्रेसेस जो है उसमें स्पेस नहीं देना है, अगर एक स्पेस दे दिया तो एरर आ जाए। तो ये सारा एक्सपीरियंस आपको कैसे कलेक्ट होगा, जैसे जैसे आप छोटे छोटे असाइनमेंट करते जाओगे आपको एरर्स मिलेंगी, एरर्स के साथ डील करोगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो आपको उनके रीजन भी पता चलते चलेंगे, हाँ स्पेस देने से होता है। तो नेक्स्ट टाइम आप ऑब्वियसली आप स्पेसेस नहीं दोगे। तो जितने आप प्रोग्राम बनाओगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे पाइथन के अंदर आपका बढ़ता चलेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने सक्सेसफुली स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की सहायता से ये किया। अब मेरा मोटो ये है, बेटा बोलिए मत, अब यहां पर मैं आज का एजेंडा आपको बता देता हूं। सो यहां पर मैं गया और मैं प्रीवियस क्लास में गया, इंस्ट्रक्शंस में गया, और यही इंस्ट्रक्शंस मैं आज की क्लास में भी पेस्ट कर देता हूं। और यहां पर जो है, यहां पर हमें यही एजेंडा है हमारा कि आज हमें जो है यूजर से इनपुट लेना है और डेटाबेस में स्टोर करना है। मगर यहां पर जो है आज फॉर हाउ मेनी स्टूडेंट्स वी वॉन्ट टू स्टोर, ठीक है, आज फॉर हाउ मेनी स्टूडेंट्स वी वॉन्ट टू स्टोर एंड देन स्टोर द डेटा इन टेबल एंड रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द टेबल। आज का प्रोग्राम कल के प्रोग्राम से थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पर हम नंबर ऑफ वो भी पूछेंगे कि कितने भाई कितने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करवानी है। मैंने बोल दिया 10, तो 10 स्टूडेंट्स के नेम कॉन्टेक्ट ये कट करके आपको डीबी में क्वेरी में एग्जीक्यूट होके आपको पता चल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम स्टार्ट करते हैं, यहां पर मैंने इसको रन कर दिया b.py के अंदर। और सबसे पहले हम जो है अपना फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल हम क्रिएट करेंगे fo फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन मेथड, और ओपन मेथड में यहां पर मैंने ले लिया। अच्छा, यहां पर हमें जो डेटाबेस भी है वो भी यूजर नेम से पूछना है, तो सबसे पहले तो यूजर नेम ले लेते हैं। चलिए यहां पर यूजर नेम ले लेते हैं, सो डीबी नेम, और यहां पर मैंने बोल दिया कि इनपुट प्लीज एंटर द डेटाबेस नेम। तो जैसे ही मैं यहां से रन करूंगा तो मुझे डेटाबेस नेम भी पूछेगा वो, ठीक है ना। तो चलिए रन करते हैं यहां पर, और मैं टर्मिनल स्टार्ट करता हूं, और मैंने रन किया ls कमांड से आप देखें, और मैंने py स्पेस b.py मैंने किया, प्लीज एंटर द डेटाबेस नेम, मैंने डेटाबेस का नेम यहां से कुछ भी लिखा, mca लिखा, एंटर करूंगा तो मेरा mca नाम का टेबल बन जाना चाहिए, हालांकि अभी मैंने बनाया नहीं है, डेटाबेस बनाया नहीं है। तो चलिए इसको हम जो है डेटाबेस बनाते हैं। सो यहां से मैंने डेटाबेस बनाना है, fo इज इक्वल टू ओपन डीबी नेम, और यहां पर मैं क्या करूंगा, ओपन डीबी नेम, और यहां पर किस मोड में आपको करना है, अपेन मोड में आपको डेटाबेस क्रिएट करना है। सो यहां पर जो है पॉइंट नंबर फर्स्ट, ऑलवेज ओपन द फाइल, देन डू नॉट फॉरगेट टू ऑलवेज
ऑलवेज क्लोज द फाइल, मतलब ऐसे स्टेटमेंट लिखोगे तो आपको कभी भूलोगे नहीं, ऑलवेज ओपन द फाइल, ऑलवेज क्लोज द फाइल, ऑलवेज स्टेप, ऑलवेज ऑलवेज डीबी कनेक्शन ओपन, ऑलवेज डीबी कनेक्शन क्लोज, ऐसे स्टेप्स के पेयर आपको हमेशा कोडिंग करते समय याद रहेंगे, कभी स्किप नहीं करोगे, ऐसे लिखते रहा करो। सो मैं बोलूंगा एफ ओ डॉट क्लोज, सो एफ ओ डॉट मैंने क्लोज किया, यहां पर मैं गया और मुझे जो है यूजर से मैं डेटाबेस का नाम कुछ भी रखूंगा, लास्ट में मुझे कंकैटिनेट करना पड़ेगा क्या, डॉट सीक्वलाइट, सीक्वलाइट थ्री। सो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सीक्वलाइट वन यूज कर रहे हो, टू यूज कर रहे हो, बट अभी जो स्टैंडर्ड चल रहा है वो सीक्वलाइट थ्री है, तो बेटर है कि डेटाबेस के आप कौन सा डेटाबेस क्रिएट करें, सीक्वलाइट थ्री का डेटाबेस यूज करें, इसलिए मैं जो एक्सटेंशन है सीक्वलाइट थ्री करूंगा। तो मैंने अगर डेटाबेस का नाम एमसीए लिखा हुआ है तो डेटाबेस किस नाम से बनेगा, एमसीए डॉट सीक्वलाइट थ्री नाम से जो है मेरा डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। चलिए इसको रन करके स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, यहां से एमसीए इंटर, और यहां पर देखिए एमसीए डॉट सीक्वलाइट, और ये हमारी एक फाइल बन गई है। ठीक है, यहां पर ये फाइल बनने के बाद हम जो है यूजर से क्या पूछेंगे, हमें यूजर से टेबल नेम पूछना है, सो डेफिनेटली यहां पर टेबल नेम भी पूछ लेते हैं। सो टेबल नेम यहां से पूछा, प्लीज एंटर द टेबल नेम, सो टेबल नेम भी आपको यूजर से पूछना है। सो यहां से प्लीज एंटर द टेबल नेम, प्लीज एंटर द टेबल नेम, सो यहां पर जो है टेबल नेम, सो यहां पर हम टेबल नेम भी क्रिएट करेंगे, और यहां पर जो है सीक्वलाइट पाइथन और सीक्वलाइट थ्री, ये दो वर्ड्स आपको गूगल पे लिखने हैं, और पहली लिंक ही आपकी ऑफिशियल पाइथन की वेबसाइट की लिंक आएगी, उसको आप ओपन कर लीजिएगा। सो सीक्वलाइट थ्री जो है एक बिल्ट इन मॉड्यूल है, बिल्ट इन पैकेज है, अलग से पिप्स के थ्रू इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पहला स्टेटमेंट जो है यह आप यूज करेंगे। सो ये स्टेटमेंट जो है ऊपर ऊपर होना चाहिए, सबसे पहले सबसे पहला काम ही है इंपोर्ट, इंपोर्ट करने का काम है वो कोडिंग में सबसे टॉप पे होता है ना, कहीं पे भी यूं गलती मत कर देना कि यहाँ नीचे जाके यूं लिख दो, यूं बीच में हर कहीं, तो इंपोर्ट का काम क्या होता है, हमेशा टॉप पर इंपोर्ट किए जाते हैं। उसके बाद आपका काम है कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, तो इस कमांड के थ्रू जो है आप डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हो। तो हमेशा ये ध्यान रखना है फाइल बनेगी तभी तो डेटाबेस के साथ मैं कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पाऊंगा, इसलिए फाइल बनने के तुरंत बाद जो है डेटाबेस का कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगी। अब मुझे यहां पर भी फाइल नेम लिखना है, तो मैंने चीज एक चीज ऑब्जर्व करी कि मेरा डेटाबेस नेम और कंकैटिनेशन का काम फिर से कॉपी पेस्ट होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कभी कॉपी पेस्ट नहीं होता है, हमेशा क्या होता है रीयूजेबिलिटी होती है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मैंने कट करके और यहां पर अगेन मैं बोलूंगा डेटाबेस, डेटाबेस इज इक्वल टू दिस, सो ये मेरा क्या बन गया, ये डेटाबेस बन गया है। ठीक है, अब मैंने एक वेरिएबल में ले लिया तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, रीयूज कर सकता हूँ, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ रीयूज, ठीक है ना। सो आपने डेटाबेस बनाया और उसी डीबी नेम में लास्ट में एक्सटेंशन भी कंकैटिनेट कर दिया एंड देन आपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन भी इस्टेब्लिश कर दिया। अब अगेन ऑलवेज ऑलवेज कनेक्ट, ऑलवेज ओपन द डीबी, ऑलवेज ओपन द डेटाबेस, तो डोंट फॉरगेट टू ऑलवेज क्लोज द डेटाबेस। सो एक पॉइंट पर आपने लिखा ऑलवेज ओपन द डेटाबेस, तो उसी के लास्ट में नीचे कहीं पर क्या लिखोगे आप, ऑलवेज क्लोज द डेटाबेस। ठीक है ना, फाइल से रिलेटेड भी यही होता है कि फाइल को ओपन करो तो क्लोज करो, डेटाबेस को ओपन किया है तो क्लोज करो। ये ऐसा हम क्यों करते हैं, सिक्योरिटी रिस्क है ना, आपकी वेबसाइट आपकी एप्लीकेशन हैक ना हो जाए, इसलिए बेस्ट प्रैक्टिसेस हम फॉलो करते हैं। तो कनेक्शन को कैसे क्लोज किया जाए, तो कनेक्शन क्लोज करने के लिए भी यहाँ पर कॉन डॉट कनेक्शन होता है, तो ये जो कॉन वेरिएबल होता है ये आपका कनेक्शन कनेक्शन वेरिएबल होता है, आपका डेटाबेस से जैसे ही कनेक्ट करोगे तो आपको एक कनेक्शन वेरिएबल मिल जाएगा, कनेक्शन आईडी मिल जाएगी, उस कनेक्शन आईडी से आप वापस से क्लोज भी कर सकते हो। तो यहां पर मैं डायरेक्टली कनेक्शन डॉट क्लोज, ठीक है ना, कनेक्शन डॉट क्लोज, अब बीच में जाके आप अपना वर्क कर सकते हैं जो आपको वर्क करना है। तो देखिए कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, सबसे पहले तो कर्सर एस्टेब्लिश करें, सो कर्सर आप सेटअप करें, सो कर्सर आप सेटअप किया, सो कर्सर इज इक्वल टू कॉन डॉट कर्सर, सो यहां पर मैंने कर्सर किया कॉन डॉट कर्सर एंड देन
जो ये है, ये कौन जो है, आप देखिएगा यहाँ पर कनेक्शन, डेटाबेस का कनेक्शन आपने कहाँ कर रखा है, वो आपने नीचे कर रखा है, ठीक है। तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद ही तो आप कर्सर सेटअप कर पाएंगे। तो कोड लिखने में ऑर्डर ऑफ जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत मैटर करता है, वो आपको लिखना चाहिए। सो यहाँ पर जो है कनेक्शन डॉट कर्सर हमने लिखा, सो कनेक्शन डॉट कर्सर, उसी के बाद में अपनी टेबल क्रिएट करने का टास्क कर सकते हैं। सो लेट्स क्रिएट दी टेबल। सो लेट्स क्रिएट दी टेबल। अब टेबल क्रिएट करनी है तो आपको प्रोग्राम कैसा बनाना है कि भाई कॉलम नेम भी आपको यूजर से ही पूछने हैं। भाई परफेक्ट डेवलपर तो वही है जो हर चीज यूजर से पूछे, भाई क्या डेटाबेस नेम, टेबल का नाम, कितनी फील्ड, किस फील्ड का क्या डेटा टाइप, हर चीज। अगर आप ऐसा बना पा रहे हो तो आप बहुत अच्छे लेवल पर, पाइथन के अच्छे लेवल पर पहुंच जाओगे। पर ठीक है, धीरे धीरे। कल का क्लास बेसिक था, आज का क्लास थोड़ा और एडवांस हो सकता है। कल की क्लास में मैं और ज्यादा एडवांस आपको और ले जाऊं और चीजों को, हर चीज कस्टमाइजेबल कर दें, हर चीज यूजर पे छोड़ दें कि भाई आप ही बताओ कि कितने डेटाबेस का नाम क्या देना है, टेबल का नाम क्या देना है, उस टेबल के अंदर कितने कॉलम्स होंगे, 2 कॉलम होंगे कि 10 कॉलम होंगे, हर कॉलम का डेटा टाइप क्या होगा, हर चीज हम यूजर पे भी छोड़ सकते हैं। मगर हमें धीरे 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 अपना जो स्किल है वो इम्प्रूव करना है। तो अभी एक सिंपल लेवल पर मैं अचीव करके आपको बताऊंगा। सो लेट्स क्रिएट द टेबल। अगेन आपको टेबल क्रिएट करना है तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट मेथड को आपको कॉल करना है। सो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, सो यहां पर आपको करना है, सो एसक्यूएल क्वेरी हमने यहां पर लिखा, एसक्यूएल क्वेरी यहां पर हमने लिखा। सो क्वेरी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और एक ये इफ नॉट एग्जिस्ट वाला सिंटेक्स भी आप लिख सकते हो, मगर अभी सेफ वैल्यू न लिखते हुए मैं डायरेक्ट क्वेरी को लिखना चाहूंगा। तो पूरी की पूरी क्वेरी आप यहाँ पर ये कॉपी कर लेवे, पूरी की पूरी क्वेरी कर सकते हैं। अगर आपको एसक्यूएल क्वेरीज नहीं पता तो आप W3C स्कूल्स में जाके एसक्यूएल क्वेरीज के बारे में देख सकते हैं। सो एसक्यूएल यहाँ पर मैं गया, और सबसे बेस्ट रिसोर्सेज ही आपको यहीं पर मिलेंगे। सो यहां पर मैं गया और मुझे क्या करना है, मुझे इंसर्ट इनटू करना है। सो यहां पर मैं जाऊंगा और किसमें जाना है, इंसर्ट इनटू में, सॉरी सॉरी, क्रिएट टेबल में जाना है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, क्रिएट टेबल। सबसे पहला टेबल बनेगी तभी तो रिकॉर्ड जाएंगे, तो पहला काम आपका क्या है, टेबल को बनाना। सो यहां पर देखिए, क्रिएट टेबल एंड द नेम ऑफ द टेबल। सो टेबल का नेम हमें कहां से मिलेगा, यूजर से ही मिलेगा। सो हमने, आप देखिएगा हमारे पाइथन के प्रोग्राम में हमने ऑलरेडी टेबल का नाम भी यूजर से पूछ रखा है, तो वही हमें अब क्रिएट करना है। यहां पर हम बोलेंगे क्रिएट टेबल। सो क्रिएट टेबल और क्रिएट टेबल, और यहां पर हम टेबल नेम पेरेंटिस स्टार्ट पेरेंटिस क्लोज, और यहां पर पहला कॉलम हमेशा क्या होता है, कॉलम नेम और डेटा टाइप होता है, कॉलम नेम और डेटा टाइप। मैं ये चाहता हूं कि ये कोड कॉपी कर लूं और पाइथन के प्रोग्राम में यहां पर पेस्ट करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कमेंट। अब सिंगल लाइन कमेंट के लिए तो बार बार हर लाइन पे जाके हैश लिखना है, मुझे मल्टी लाइन वाला कमेंट लिखना है तो उसके लिए कोई मुझे बता सकता है, ट्रिपल कोट। तो ट्रिपल कोट क्या है, मल्टी लाइन कमेंट। तो कई बार ऐसा कोई कोड होता है जो आपको कहीं से कॉपी लाके ना अपने कोड में रखना पड़ता है, क्यों, रेफरेंस के लिए। जैसे कि अभी अपने को रेफरेंस चाहिए, आमने सामने ही पड़ा हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ है उसी को देख देख के हम क्या करेंगे, नीचे की ओर लिखेंगे, तो हमें रेफरेंस सामने ही चाहिए। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि अपने को एक से ज्यादा लाइन का कोड लिखना पड़ता है, तो उसके लिए मैं कितने कोड का यूज करूंगा, ट्रिपल कोड का। ये ट्रिपल कोड का स्टार्ट है, ट्रिपल कोड का क्लोज है, और सामने ही मुझे क्वेरी दिखाई दे रही है ना। तो क्रिएट टेबल भी लिख दिया, अब यहां पर मुझे क्या लिखना है, टेबल का नाम। और टेबल का नाम मैंने किससे पूछ रखा है, यूजर से, और वेरिएबल में रख रखा है। तो अब मेरा जो है, अब मुझे यहां पर अपनी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करवानी पड़ेगी। तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के लिए एफ स्ट्रिंग आप यूज कर सकते हो। तो एफ स्ट्रिंग में यहां पर आप क्या यूज कर सकते हो, जहां पर आपको चाहिए तो वहां पर आप जाके टेबल नेम भी यूज कर सकते हो। आप ध्यान रखिएगा कि ऊपर आपने किस वेरिएबल में ले रखा है, टेबल नेम में ले रखा है, तो यहां पर भी जाके मैं कर्ली ब्रेसेस में क्या लिख दूंगा, टेबल नेम। तो देखिए, क्रिएट टेबल और टेबल नेम भी हो गया, अब बचा क्या, कॉलम नेम स्पेस डेटा टाइप। तो यहां पर पहला चीज होगा कॉलम नेम, फिर स्पेस, फिर डेटा टाइप। तो हमें यहाँ पर कॉलम नेम में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको स्टूडेंट की कलेक्ट करनी है, फॉर एग्जाम्पल उनका नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर, फॉर एग्जाम्पल। सो यहाँ पर मैंने लिखा नेम, और उसका टाइप जो है यहाँ पर क्या है, हम टेक्स्ट ले लेंगे। थोड़ा सा डेटा टाइप से यहाँ पर देख लेते हैं कि सिक्वलाइट में डेटा टाइप जो है टेक्स्ट है। तो मैं क्या करूंगा, नेम स्पेस टेक्स्ट कॉमा कॉन्टेक्ट, या
मोबाइल स्पेस टेक्स्ट, ऐसे आप जो है दो फील्ड्स हमने ले ली, पहली फील्ड का नाम नेम, दूसरी फील्ड का नाम मोबाइल। पहली फील्ड का जो नेम है उसका डेटा टाइप मैंने किस प्रकार से लिया, टेक्स्ट, और दूसरी फील्ड का भी मैंने डेटा टाइप लिया टेक्स्ट। तो ये जो है कॉलम नेम स्पेस डेटा टाइप, कॉलम नेम स्पेस डेटा टाइप कॉमा, कॉलम नेम स्पेस डेटा टाइप, ऐसे ऐसे पैटर्न चलते रहिए। अब हमारी ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टेबल है, किसी कंपनी में जाओगे बड़ी बड़ी टेबलों पे काम करना पड़ेगा, तो पेयर तो यही चलता है ना, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। सो यहाँ पर आपने जो है ये टेबल बनाया, ये टेबल बनाने के बाद अब क्या करना है, कमिट करना है, तो चलिए कमिट भी कर लेते हैं, है ना। तो ये मैंने कमिट कर दिया, सो चलिए देखते हैं कितना क्या हुआ, ठीक है ना। सो ठीक है, ठीक है, और ये हुआ। सो चलिए यहाँ से ये MCA.SQLite को मैं डिलीट करता हूँ और मैं अपने प्रोग्राम को वापस से रन करता हूँ आपके सामने, ठीक है। सो यहाँ पर मैं गया, इसको कंट्रोल एल प्रेस किया, कंट्रोल एल, और लेट्स रन द b.py फाइल। सो पाइथन एंड b.py, प्लीज एंटर द नेम MCA, प्लीज एंटर द टेबल नेम स्टूडेंट्स, और जो है आप देखिए MCA.DB ये फाइल बनी, बट आई कांट रीड दिस पर्टिकुलर फाइल। इन ऑर्डर टू रीड दिस फाइल यू हैव टू यूज अ डेटाबेस मैनेजर कॉल्ड SQLite स्टूडियो। सो आप जो है SQLite स्टूडियो का यूज करें। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो है अभी विंडोज 7 यूज कर रहे हैं कॉलेज के लैब में, तो वहां पर जो है 3-2-1 वाला आपको यूज करना है। सो मैं आपको गूगल पे बता देता हूँ कि अगर आपको 32-bit करना है तो यहाँ पर आप जाइए और SQLite स्टूडियो लिखिए, SQLite स्टूडियो 32-bit, क्या लिखना है SQLite स्टूडियो 32-bit, इंटर किया और कहीं ना कहीं आपको जो है ये वाला आ जाएगा, देखो विंडोज 7 वाला आ रहा है, इस पर क्लिक करें और जो है इस तरीके से आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगी और जिसमें आप जो है SQLite का विंडोज 7 बेस्ड वाला जो है वर्जन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो मैं तो ओपन करके बता देता हूँ। पहले से ये कोई डेटाबेस है मुझे नहीं पता कि ये कहाँ के हैं, तो मैं इनको लिस्ट में से रिमूव कर देता हूँ, इसको भी मैंने लिस्ट में से रिमूव कर दिया और मैं जो है एट डेटाबेसेस में गया और मुझे पता है कि मेरा डेटाबेस डी ड्राइव के अंदर PY21 लेक्चर के अंदर अवेलेबल है। सो PY21 के अंदर गया और MCA SQLite को मैंने ओपन किया और यहाँ पर आप जाके देखेंगे स्टूडेंट नाम की टेबल बन चुकी है और कॉलम्स भी आ गए, सारी चीजें परफेक्ट ऑर्डर में चल रही हैं। चलिए इसको मिनिमाइज करते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे कोड में। अगली रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, अगली रिक्वायरमेंट हमारे पास है आस्क फॉर द टेबल नेम, ये भी हमने कर लिया, आस्क फॉर द डेटा। बट यहाँ पर जो है हमें ये पूछना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स यू वांट टू स्टोर, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यू वांट टू स्टोर। तो हमें यूजर से ये पूछना है हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यू वांट टू स्टोर। सो यहाँ पर मैं अगली बार मैं यहीं पर पूछ लूंगा, सो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, सो NOR नंबर ऑफ रिकॉर्ड, NOR नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, हालांकि वेरिएबल नेम कुछ भी दे सकते हो बट मैं NOR बोलता हूँ, है ना। इनपुट किया और यहाँ पर मैंने लिखा हाउ मेनी स्टूडेंट्स यू वांट टू स्टोर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स यू वांट टू स्टोर। सो जो भी यूजर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा और अगेन यहाँ पर जो है सबसे बड़ा क्रूशियल पॉइंट मुझे ये लगता है कि जब आप इनपुट मेथड से कोई भी आप वैल्यू गेट करते हैं तो उनका टाइप हमें चेक करना पड़ेगा। सो इसका टाइप क्या है वो भी हमें चेक करना पड़ेगा, तो टाइप चेक करने के लिए हमारे पास जो है टाइप प्रिंट में यहाँ पर करूँगा और टाइप यूज़ करूँगा। टाइप एक ऐसी मेथड है पाइथन के अंदर जिसमें आप डेटा टाइप चेक कर सकते हैं, मैं NOR का टाइप चेक करूँगा। सो ये मैंने NOR का टाइप चेक किया, चलिए रन करते हैं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसका टाइप क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि उसका रीज़न मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगा। सो यहाँ पर चलिए एक स्टार्ट करते हैं, है ना। सो पाइथन और b.py और MCA1, प्लीज एंटर द नेम ऑफ टेबल स्टूडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स यू वांट टू स्टोर, लेट्स से 5, और इसने क्या दे दिया str। तो मैंने तो 5 इंटर किया,
और आना क्या चाहिए था, इंटीजर आना चाहिए था, दे क्या दिया इसने, स्ट्रिंग दे दिया। तो अब क्या है कि कहीं पे भी आप उसको कंपैरिजन करवाओगे ना, कंडीशनल कंपैरिजन करवाओगे, तो वो नंबर तो है नहीं कि वो कंपेयर हो जाएगा, वो तो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट है, इसलिए टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो टाइप कास्ट करने के लिए आपको, इसको टाइप कास्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो आप कंफर्म कर दिया मैंने कि आपने जो इनपुट से यूजर से जब आप कोई भी चीज रिसीव करते हो वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होती है। नाउ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कन्वर्ट NOR STR टू NOR इंटीजर। तो जो जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो अभी आपको मिला है वो किस प्रकार का मिला है, स्ट्रिंग टाइप का मिला है। उसी नंबर ऑफ वेरिएबल्स को आपको किस टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तभी तो मैथमेटिकल ऑपरेशन किस पे हो सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन अल्फाबेट्स पे हो सकते हैं कि नंबर्स पे होते हैं, नंबर्स पे होते हैं। तो मुझे ये जो 5 रिसीव हुआ है ये किस टाइप का मिला हुआ है, स्ट्रिंग टाइप का मिला हुआ है। मुझे इसका टाइप क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए अगेन मैं क्या यूज कर सकता हूँ, NOR इज इक्वल टू इंट, बिल्ट इन पाइथन के अंदर मेथड है इंट नाम से, और उस इंट नाम की मेथड में आप जो भी स्ट्रिंग वाला पास करेंगे तो उसको किस टाइप का बना देगा, इंटीजर टाइप का बना देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से, पाइथन और बी डॉट पाई, एंटर द डेटाबेस नेम MCA 3, एंटर द टेबल नेम स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स यू वांट टू स्टोर, 10। नाउ दिस इज इंटीजर। तो अब जो है आपके पास NOR में क्या है, एक इंटीजर है। अब इंटीजर है तो मैं इसका कंपैरिजन करवा सकता हूँ, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू एम्परसेंड मॉड्यूलस, मैं कोई सा भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करवा सकता हूँ, लॉजिकल ऑपरेशन करवा सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास क्या है बेसिकली एक इंटीजर हमें मिल गया है। तो चलिए अब जो है यहाँ पर हम इसको जो है इसको हम स्टोर करवाएंगे। अब मुझे जो है यूजर से स्टोर करवानी है वैल्यूज, सो यहाँ पर हम जाते हैं, इसके अंदर गए, अब इंसर्ट करने का भी मैं क्वेरी आपको बता देता हूँ। इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे लूप्स में जाना पड़ेगा, हमारे पास पहले तो लूप्स देख लेते हैं कौन से हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसको, यहाँ पर हम इटरेट कर सकते हैं, यहाँ पर इटरेबल ऑब्जेक्ट है और हमारे पास जो है रेंज भी है हमारे पास, ठीक है, रेंज नाम का फंक्शन है। To loop through a set of code specified the number of times, we can use a range. The range function returns a sequence of number starting from 0 to default. तो मैंने यहाँ पर दे दिया कि मुझे जो है 0 से लेके, मैंने range function के अंदर दे दिया 5, तो वो कहाँ से कहाँ तक iterate करेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5. तो मैं यहाँ पर loop चलाने के लिए मैं range method का use कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो फॉर एक्स इन रेंज, मैंने बोल दिया 5 स्टूडेंट्स पर इटरेट करना है, तो स्टार्ट किससे होता है, 0 से, तो वहां पर मैं इसको 6 का रेंज करवा दूंगा, है ना। तो इस तरीके से मैं रेंज का यूज करूंगा, ठीक है। तो नोट रेंज 6 इज नॉट द वैल्यू ऑफ 0 टू 6 बट द वैल्यू ऑफ 0 टू 5। 0 टू 5 काउंट करो कितना हो, देखो 0 टू 5 काउंट करो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना आ रहा है। तो आपके पास जो है 0 टू, अगर आप रेंज 6 दोगे तो आपको एलिमेंट्स कितने मिल रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, और आपको 6 एलिमेंट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। सो इंक्लूसिव रेंज भी आपको देखनी पड़ेगी कि ये जो लास्ट वाली जो वैल्यूज है इसके अंदर है कि नहीं। तो चलिए इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको जो है डायरेक्टली इंसर्ट करके बताता हूं। सो यहाँ पर फॉर लूप का यूज करते हुए, ये फॉर लूप मैंने यहाँ पर यूज किया, और फॉर लूप के अंदर यहाँ पर मैंने, फॉर एग्जांपल मैंने रेंज दे दिया 5, तो मेरी रेंज जो है वो रेंज 0 से ही स्टार्ट होगी, तो वो रेंज कहाँ तक जाती है। तो लेट से इस 5 को, अब आपने एक चीज नोटिस करी कि मुझे यहाँ पर क्या सप्लाई करना है, 5, और ये 5 स्ट्रिंग वाला 5 है कि इंटीजर वाला 5। अगर मैं यहां पर ऐसे लिखता तो ये क्या है, स्ट्रिंग वाला 5, मगर आप देखिए कोड एग्जांपल में मुझे रेंज किस प्रकार से देना है, इंटीजर वाला देना है मुझे, 6 या 5 जो भी देना है इंटीजर वाला देना है। दैट्स व्हाई आई टाइप कास्ट द स्ट्रिंग नंबर NOR इनटू अ इंटीजर NOR, है ना। तो इसीलिए यहां पर मैंने टाइप कास्ट करना चाहा। सो यहां पर ये देखिए,
कि जो जब भी मैं यूजर से इनपुट मेथड से आप कुछ भी यूजर से ले होगे तो हमेशा हमेशा इसमें आपको वैल्यूज मिलेगी, स्ट्रिंग में मिलेगी। तो मैंने पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स यू वांट, तो आपने लिखा 5, एनओआर में आया 5, मगर 5 किस टाइप का आया, स्ट्रिंग टाइप का आया। उस स्ट्रिंग टाइप के को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यू वॉन्ट टू सप्लाई दैट इंटीजर इनसाइड विच फंक्शन, रेंज फंक्शन। क्लियर हुआ? सो यहां पर मैं अब क्या करूंगा, इस एनओआर वैल्यू को, ये एनओआर वैल्यू जो मेरी है, एनओआर स्टैंड फॉर नंबर ऑफ रोज, सो नंबर ऑफ रोज मुझे कितने स्टोर करवाने हैं, सो एनओआर में मैंने दे दिया। और जो इंसर्ट वाला स्टेटमेंट है, मेरा जो इंसर्ट वाला स्टेटमेंट है, वही मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। और कॉपी तो क्या करना है, आपको पता हो गई सही कि एसक्यूएल क्वेरी है, वो सिंपल सी एसक्यूएल क्वेरीज हैं, थोड़ी बहुत एसक्यूएल क्वेरीज आपको आती होगी तो आप बता सकते हो। सो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट इंसर्ट इनटू व्हिच टेबल, अगेन मुझे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करना है तो मैं एफ स्ट्रिंग का उपयोग करूंगा और ये के ये मैं यहां पर सप्लाई कर दूंगा। ये मैंने यहां पर सप्लाई किया, फिर यहां पर मैंने वैल्यूज दिया। आप यहां पर वैल्यूज से जस्ट पहले पैरेंथेसिस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर वैल्यूज से पहले मैंने पैरेंथेसिस लगाए थे और उसके अंदर कॉलम नेम दिए थे। आज के वीडियो के अंदर मैं वैल्यूज के लेफ्ट हैंड साइड पे पैरेंथेसिस नहीं यूज कर रहा हूँ, डायरेक्ट क्या यूज कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं वैल्यू सप्लाई कर रहा हूँ। तो पहली वैल्यू क्या आने वाली है और दूसरी वैल्यू क्या आने वाली है और तीसरी वैल्यू क्या आने वाली है, जो है ना, हमारे पास दो ही फील्ड है तो बाकी सबको आप हटा दो, सिर्फ दो फील्ड रहने दो। सो यहाँ पर जो है दो फील्ड यहाँ पर हमने यूज किया, सो यहाँ पर जो है दो फील्ड आपने यूज किया, सो यहाँ पर जो है आपने यूज करेंगे, सो डेफिनेटली यहाँ पर जो है यहाँ पर आप क्या क्या चाहिए आपको बताइए, नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर। सो नेम इज इक्वल टू अगेन इनपुट एंटर द स्टूडेंट नेम, आप नेम करोगे। फिर मैंने बोला एन फॉर नेम, एम फॉर मोबाइल नंबर, एंटर द स्टूडेंट कॉन्टेक्ट नंबर, एंड देन ये एन और एम वेरिएबल जो है मैं कहां सप्लाई कर दूंगा, यहां पर। और चूंकि स्ट्रिंग के अंदर मुझे वेरिएबल रखना है, दैट्स व्हाई आई विल यूज अ स्ट्रिंग इंटरपोलेशन ऑपरेटर, कर्ली ब्रेसेस। सो कर्ली ब्रेसेस इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग इंटरपोलेशन ऑपरेटर। सो इस स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में मैं लिखूंगा एन फॉर नेम एंड एम फॉर मोबाइल नंबर। बिकॉज देखिए, मैंने फर्स्ट सेकेंड वीडियो के अंदर ही आपको जो है क्लासेस के अंदर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की चार टेक्निक्स बताई थी, तीन बताई थी, तीन में से एफ स्ट्रिंग कितना काम में आ रहा है। सो एफ स्ट्रिंग में यहां पर मैंने यूज कर दिया एम, यहां पर मैंने दे दिया एम, ये मैंने यहां पर एम दिया और मुझे लगता है कि सब कुछ सही है। बट एनीवेज फिर भी एक बार प्रोग्राम को जो है रन करके देखते हैं और यहां से अभी तक के जितने भी बने हुए हैं डेटाबेस टेबल वेबल सब हटा देते हैं। सो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से आपके सामने से, सो ये हटाते हैं और डिलीट परमानेंटली, डिलीट नहीं करने दे रहा है, कोई बात नहीं, कैंसिल किया और प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, सो इसको मैंने रन किया, प्लीज़ एंटर द डेटाबेस नेम MCA, और ऑब्वियसली वो नाम मत देना जो ऑलरेडी जिस नाम से पड़ा हुआ है ना, हम नहीं चाहते हैं कि उसी में कुछ रिकॉर्ड्स क्रिएट हो, तो मैं इसको बोलूँगा MCA1, है ना। प्लीज एंटर द टेबल नेम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हाउ मेनी स्टूडेंट्स यू वॉन्ट टू स्टोर, मैंने क्या लिखा 3, तीन स्टूडेंट्स का नाम स्टोर करना चाहता हूँ। अब देखो ये क्या बोल रहा है, प्लीज एंटर द स्टूडेंट नेम, मेरे पहले स्टूडेंट का नाम मान लीजिए ए है और उसका कॉन्टेक्ट नंबर 1 है। प्लीज एंटर द स्टूडेंट नेम, मेरा दूसरे स्टूडेंट का नाम बी है और उसका कॉन्टेक्ट नंबर 2 है। प्लीज एंटर द स्टूडेंट नेम सी और उसका कॉन्टेक्ट नंबर 3 है। देन प्रोग्राम बाहर आ गया, बस अब एक ही चीज कंफर्म करनी है कि सर आपने इतनी वैल्यू डाली है, इंसर्ट करी है, तो क्या डेटाबेस भी बता दो, टेबल भी बता दो, उसमें रिकॉर्ड्स भी बता दो, तीनों चीजें अगर हमारी आ जाती है इसका मतलब प्रोग्राम डन है। सो यहां पर हम जाके SQLite के अंदर जाके हम चेक करते हैं जो हमारा डेटाबेस मैनेजर है, डेटाबेस मैनेजर को ओपन करें। मैंने ओपन किया और ये पहले से कुछ पड़ा हुआ है, इसको आप हटा देवें, रिमूव फ्रॉम लिस्ट, है ना, ये रिमूव किया। मैं नए डेटाबेस में गया SQLite के अंदर और MCA1 को चूज किया, ओके किया, स्टूडेंट में गए स्टूडेंट्स, और यहाँ डेटा में आप जाना, ये देखिए
आ गया। तो यूजर से आपने खुद ही पूछ लिया कि भाई कितने स्टूडेंट्स की जानकारी स्टोर करनी है, तो यूजर ने बोला 3, और 3 करने के बाद वो वन बाय वन लूप चल रहा है। तो आज की क्लास के अंदर हमने जो है लूप कंस्ट्रक्ट सीखे हैं। आज की क्लास में हमने डेटाबेस नहीं सीखा, डेटाबेस तो हमने कल सीखा था। आज की क्लास में मैंने सिखा क्या दिया है आपको, फॉर इन सिखाया है। तो फॉर इन हम इटरेबल ऑब्जेक्ट्स पे भी लगा सकते हैं, मगर कई बार हमारे पास एक सीक्वेंस होता है, एक नंबर ऑफ टाइम्स के लिए मुझे लूप चलाना पड़े। जैसे कि इस केस में मैंने यूजर से पूछा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स यू वॉन्ट टू स्टोर, यूजर ने टाइप कर दिया 3 स्टूडेंट्स की जानकारी मुझे स्टोर करनी है, तो मेरे पास लूप चलाना है कितनी बार, 3 बार चलाना है। तो वो ऐसे ऐसी चीज के लिए, ऐसे सीक्वेंस के लिए आप जो है रेंज फंक्शन का यूज कर सकते हो। इसका यूज कर सकते हो, रेंज फंक्शन का यूज करता है कर सकते हैं। और यहां पर जो है मैंने रेंज फंक्शन का ही यूज करते हुए जो है वो यूज किया हुआ है। नोट दैट रेंज 6 इज नॉट द वैल्यू ऑफ 0 to 6 बट 0 to 5। मतलब अगर यहां पर आप 6 लिखोगे तो 6 इंक्लूसिव नहीं है। दो चीजें हो गई, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब इसके समय मैंने आपसे बोला कि 6 तक काउंटिंग करो, तो आपने बोला 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 भी ले रहे हो, क्योंकि मैंने आपको बोला 6 तक काउंटिंग करो। मैंने बोला 6 से पहले तक की काउंटिंग करो, तो आप 6 को नहीं लेओगे, 6 से पहले तक की आप काउंटिंग करोगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्योंकि इंस्ट्रक्शन बोला क्या गया है उसके हिसाब से काम होगा। तो यहां पर ये जो रेंज फंक्शन में जो भी नंबर आप सप्लाई करते हो वो एक्सक्लूसिव है। क्या है? एक्सक्लूसिव, वो हमारे उस इटरेशन के लूप के काउंट में नहीं है। तो देखिए इसने वही बात बोली कि जो रेंज फंक्शन हमेशा चलता कहां से है, 0 से, है ना, और जाएगा कहां तक, जो नंबर आपने दिया है -1 तक जाएगा। तो अगर आपने 6 लिखा तो 0 से कहां तक चलेगा, 5 तक चलेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड लूप से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यही वाला टास्क जो है मैं आपको गिटहब पे अपलोड करके बता देता हूं। कंट्रोल एल किया और मैं गिटहब पे जाता हूं, github/new मैंने किया और यहां पर मैंने लिखा पाइथन सिक्वलाइट डेटाबेस विथ रेंज एंड फॉर इन, और मैं इसको जो है पब्लिक रिपोजिटरी बना रहा हूं। क्रिएट रिपोजिटरी पे मैं क्लिक करूंगा और कोड में गया, इस पर कॉपी किया, यहां पर गए और यहां से जो है मैं गिट इनिट करूंगा, गिट रिमोट एड ओरिजिन, सॉरी गिट एड डॉट स्टेजिंग, गिट कमिट -m, और यहां पर मैंने दिया v1, कुछ भी आप मैसेज दे सकते हैं, और लास्ट में मैं लिखूंगा गिट पुश ओरिजिन मास्टर, और गिट पुश ओरिजिन, ओरिजिन की स्पेलिंग गलत है, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। और जैसे ही अपलोड करोगे कुछ 1-2 सेकंड का टाइम लेगा, एंड जैसे ही मास्टर एरो मास्टर आपको दिखाई दे, इसका मतलब आपने जितना भी कोडिंग किया हुआ है वो सक्सेसफुली कहाँ पहुंच गया है, आपकी ऑनलाइन रिपोजिटरी पे। अब आपका जो पाइथन का कोड है बिल्कुल सेफ है, आप पूरी दुनिया में किसी भी कोने पर जाके इस कोड को देख सकते हैं। सो यही एडवांटेज होता है सोर्स कोड को कहाँ रखने का, ऑनलाइन इंटरनेट पर रखने का, रिपोजिटरीज पर रखने का, जो गिटहब से कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है। और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।